दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपके भी प्ले स्टोर में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है और आप अपने प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी के साथ बताया हुआ है कि प्ले स्टोर को कैसे सही करें अगर आपका प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप अपने प्ले स्टोर में जाते हैं और जाने के बाद यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और उसे आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने पेंडिंग आता रहता है या आपके सामने कुछ भी नहीं होता है और आपके सामने इंस्टॉल ही नहीं होता है या आपका कम से कम 20% या आपका 99% डाउन हो जाता है और उसके बाद वह एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी आज इस वीडियो में फिक्स हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यहां से बैक आना होगा। यहां पर आपको कम से कम यहां पर 2 या 3 ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें आपको फॉलो करना होगा अपने मोबाइल में। सबसे पहला तरीका है कि आपके मोबाइल में कभी कभी जो आपका इंटरनेट होता है वो आपका अच्छे से काम नहीं करता है तो आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले इंटरनेट आपको सही करना पड़ेगा, यानी कि अपने मोबाइल में इंटरनेट को सही करना पड़ेगा। कभी कभी आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलता है तो यहां पर मिलेगा एरोप्लेन मोड। अब आप इसे चालू कर लीजिए। चालू करने के बाद आपका जो यहां पर एरोप्लेन मोड है इसे आप बंद कर दीजिए 1 या 2 मिनट के बाद। अब आपका जो इंटरनेट होगा वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। बस आपको 1 या 2 मिनट का इंतजार करना होगा। फिर अपने प्ले स्टोर को ओपन करिए और चेक करिए कि अब आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है या नहीं। अगर आपका अभी भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपने प्ले स्टोर पर लॉन्ग प्रेस करना होगा। यहां पर मिल जाएगा आई बटन। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप। आप इस पर क्लिक कर दें और स्टॉप कर दें। यहाँ पर मिल जाएगा स्टोरेज। अब आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक सबसे ऑप्शन एक नीचे मिलेगा, आपको अभी बताते हैं, डिसेबल वाईफाई और डिसेबल मोबाइल डेटा। अगर आपने ये चालू कर दिया है तो इस तरीके से इसे आपको जरूर बंद कर देना होगा। बैक आ जाइए और फिर आपको मिलेगा स्टोरेज। अब आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर मिलेगा क्लियर कैच। अब आप इस पर क्लिक करें, क्लियर डेटा। अब आप इस पर क्लिक करें और ओके कर दें, यानी कि डिलीट कर दें। अब यहाँ से बैक आ जाइए। इतना काम करने के बाद अब आपका जो प्ले स्टोर होगा पूरी तरीके से सही हो जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आपका अभी भी काम करना स्टार्ट नहीं करता है तो फिर आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद इस तरीके से आपका सेटिंग निकल के आ जाएगा। यहां पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना होगा और यहां पर आप टाइप कर लीजिए ऐप या ऐप मैनेजमेंट। तो आपके सामने ऐप्स आ जाएगा और ऐप्स मैनेजमेंट भी आ जाएगा। तो आपको ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐप मैनेजमेंट, अब आप इस पर क्लिक कर दें, यहां पर आपके सारे के सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल में है। तो आपको देखना होगा कि यह सेटिंग आपके फोन में कहां पर है। फिर आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहां पर आपको टाइप करना होगा गूगल। जैसे आप पे टाइप करेंगे गूगल तो आपके सामने आ जाएगा गूगल प्ले सर्विस और एक आ जाएगा गूगल प्ले सर्विस फॉर AR। अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको वही काम करना होगा, स्टोरेज और स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर कैश करना होगा और मैनेज स्पेस पर क्लिक करके इसका क्लियर ऑल डेटा करना होगा और इसे आपको डिलीट कर देना होगा। यहां से आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। कभी कभी आपके गूगल प्ले सर्विस में आपका बहुत सारा कैश फाइल जमा हो जाता है जिसकी वजह से आपका अच्छे से काम नहीं कर पाता है। यही काम आपको करना होगा अपने गूगल पे सर्विस फॉर AR, यानी कि इस एप्लीकेशन में भी आपको यही काम करना होगा स्टोरेज पर जाकर। बस इतना काम कर लीजिए, अब आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। आपका प्ले स्टोर अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। अब अपने प्ले स्टोर को आप एक बार ओपन करें और ओपन करके चेक जरूर कर लें कि अब आपका सही हो गया है, आपका डाउनलोड हो रहा है। अब आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपने इसका सारा का सारा डेटा आपने क्लियर कर दिया है, आपका कोई एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगा, आप परेशान मत होना। अब आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना हो और जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं उसके इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पेंडिंग प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा लेकिन ये आपके सामने नहीं रहेगा और आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, पेंडिंग प्रॉब्लम अभी आ रहा है लेकिन यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस अभी भी अगर आपका यह सही ना हो तो हम आपको बता दें, कभी कभी आप जो सिम कार्ड यूज करते हैं, जैसे हमारे पास जो सिम कार्ड है वो है सिम कार्ड जियो का, तो कभी कभी आपके सिम कार्ड में आपका सर्वर डाउन हो जाता है जिसकी वजह से आपका इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता है। तो आपको 1 घंटे या 2 घंटे का इंतजार करना होगा और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा आज का वीडियो देखने के बाद आप जान गए होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।